हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी माधव की रसोई में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से एक बहुत अच्छी रेसिपी मिठाई। तो चलो बनाते हैं अपनी मिठाई, सबको राधे राधे। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलो बनाते हैं एक यूनिक सी मिठाई। तो उसके लिए हमें चाहिए, ये मेरे पास हैं ब्रेड, 6 ब्रेडों से आज मैं बनाऊँगी एक बहुत अच्छी सी मिठाई। तो चलो बनाते हैं मिठाई। तो क्या करेंगे, पहले हम एक भगोना लेंगे, ये मेरे पास भगोना है, और इसके अंदर हम डालेंगे एक भर करके हम चीनी डाल देंगे इसके अंदर। और मैं पानी डालूंगी, हम पानी डालेंगे इसमें, एक गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, और ये दूसरा गिलास भी हम डालेंगे, और इस चाशनी को हम पहले बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं अपनी चाशनी। गैस को ऑन कर लिया और अब हम इसमें ये चाशनी तैयार। मैं चाशनी में मैंने उबाल आ रहा है, और अब मेरे पास हैं, ये हमारे पास है इलायची पाउडर, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है और मैं इसमें डाल दूंगी इसको। तो अब हम इसको उबलने देंगे, बस चाशनी का तार नहीं बनाने, कुछ भी नहीं, चिपचिपाहट देखनी है इसके अंदर, मतलब थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए तार, बस एक तार बनता है। तो इसके अंदर मैं कलर लाने के लिए डालूंगी कलर, जो कलर होता है खाने वाला, मैं उसका थोड़ा सा एक पिंच वो डाल दूंगी इतना, इसमें ये डाल दिया, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल, आपको अच्छा लगता है डालें, नहीं अच्छा लगता तो ना डालें, बट मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब तो कलर भी हमें इसमें डाल दिए कलर, और चीनी घुल चुकी है। तो जब तक हमारी ये चाशनी बन के तैयार होती है, तो चलो हम करते हैं आगे की तैयारी। इनके ऐसे इसके पीसेस करेंगे, जो नॉर्मल ब्रेड होती है ये वही ब्रेड है, ऐसे इसके पीस कर लेंगे, सारे पीसों को रख लेंगे। और इसको हमने तलना नहीं है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है। और इनके ये मेरे, हमने इनको ऐसे काट के रख लिया। चलो अब हम ये देखो फ्रेंड्स, अभी हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई, हमें इतनी पतली रखनी है। देखो इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे ना धीरे से इसको, धीरे धीरे, तो इसमें बाद में ये ऐसे गिरने पे एक तार बनने लगेगा, और नहीं तो आप हाथ पे लें ऐसे धीरे धीरे देखें, तो चाशनी में थोड़ा सी चमक आ रही है देखो इसके अंदर, बस हमें इतनी चाशनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं डालूँगी ये 2 से 3 बूंद, ये मेरे पास नींबू, तो नींबू को मैं इसमें डाल दूंगी। नींबू से क्या होगा कि हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी, तब गाढ़ी नहीं होगी, तो इससे जैसी हमने बनाई है वैसी ही बनी रहेगी। तो चलो अब हम अपनी चाशनी को उतारना है तवा, और तो तवा जब तक गर्म होता है, तो चलो हम आगे की तैयारी करते हैं। और आगे की तैयारी, ये जो हमने ब्रेड को काट के रखा हुआ है, इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, देसी घी इसके ऊपर अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से इसके ऊपर घी लगाना है।
दोनों साइड अच्छे से घी लगेगा। एक के ऊपर एक रख के इसके ऊपर घी लगाएं अच्छे से। जब भी आपका मन हो मीठा खाने का, तो कोई मिठाई ना हो आपके पास, तो ऐसे बनाएं और अपने बच्चों को और आप भी खुद भी खाएं। अच्छे से लगा के इसके ऊपर सारे ब्रेडों पे ऐसे ही लगा के बनानी है। ये देखो फ्रेंड्स, अब ये मैंने इनको हमारे ब्रेड बिल्कुल घी लगा के इसके ऊपर धीरे से रख देंगे। इसके तवे के ऊपर मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, अपने जो ब्रेड के ऊपर लगाया है वही घी डाला हुआ है। तो इनको ऐसे जितने तवे पे आ जाए उतने ही इनको रख दें और धीरे धीरे इनको उलट पलट करते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, तो ये हमारे ब्रेड सिक जाएंगे। जो लोग ज़्यादा तला हुआ नहीं पसंद करते हैं, तो आप ऐसे मिठाइयाँ बनाएं। मीठा खाने का मन है, तला हुआ भी नहीं खाना, तो आप ऐसे बना सकते हो। हाथ से भी अभी ये हो सकते हैं, उलट पलट करके इनकी अच्छे से सिकाई करें। है ना टेस्टी? ये लो फ्रेंड्स, अब ये हमारे जो हमने ब्रेडों को स्लाइस में काटा था, अब हमारी ये देखो ऐसे हमें इनको मीडियम गैस के ऊपर हो चुके हैं। ये देखो ऐसे इनको रेड कलर के हो जाएं, तुरंत उतार लें। ये देखो जैसे ये सिक गया, ऐसे इनको सेकना है। थोड़ा सा मीडियम ही रखें। और इसको भी मैं ऐसे धीरे से रख दूंगी और ये सारे पीसेस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे पक्के। थोड़ा सा दबा लें तो दबाने से अच्छे से पक जाएंगे। ये देखो कितना परफेक्ट पका है, ऐसे इनको पकाना है सारे। अब ये हमारे ब्रेड बिल्कुल पक चुके हैं, अब मैं इसको गैस को कर दूंगी बंद और अब इनको मैं नीचे उतार लूंगी। ये थोड़ा सा वाइट रह गया है तो मैं इसको भी कर लूंगी और गैस को कर दूंगी बंद। अब हम इसको हाथ से देखेंगे ये कितनी गर्म है, बस इतनी गर्म होनी चाहिए जो हमारे हाथ को सहन कर सके। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये ब्रेड के पीस, एक एक करके इसके पीस डाल दूंगी मैं ब्रेड के।
और इसको बस थोड़ा सा डालेंगे और इसको तुरंत निकाल लेंगे।